खवातीन और हजरात, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज हारून। तो यहाँ पे हम करने वाले चेस्ट वर्कआउट, जो कि चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से, जो कि होगा साइड बाय साइड। साइड बाय साइड बेसिकली एक जगह खड़े रहना है और आपके टोस को टच करना है मूव करते हुए। तो 20 ये करना है, जैसे कि एक साइड पे जाएगा और दूसरे साइड पे जाएगा तो 1 होगा। ओके, 20 कर दिया है, चेस्ट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है, हार्ट रेट अप हो चुका है। अब हम करेंगे प्लैंक अप्स। सो प्लैंक अप्स बेसिकली प्लैंक की पोजीशन में चले जाओ, प्लैंक की पोजीशन में जाना है और ऊपर। तो ये 1 होगा, ये 20 करना है। ओके, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप नहीं कर सकते तो 10-10 के सेट में कीजिए, रेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा, सांस को थोड़ा सा कम होने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके थोड़ा रेस्ट ले सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो कंटिन्यू कीजिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, come on guys, final 20। हल्का सा होल्ड कर लीजिए सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, जब तक आप बर्दाश्त कर सको। ओके, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन होगा। इससे पूरा चेस्ट आपका बर्न होना चालू होगा, फैट बर्न होना चालू होगा और ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ देगी, जो आपको स्ट्रेंथ पुशअप्स के लिए चाहिए ये एक्सरसाइज से आपको मिलेगी। आपको बता नहीं सकता अभी चेस्ट जो हीट फील कर रहा हूं। तो ये था प्लैंक अप्स, इसके बाद होगा शोल्डर टैप्स। तो शोल्डर टैप बेसिकली सेम हैंड स्टैंड प्लैंक की पोजीशन में आ जाना, टच 1, यहां पे टच 1, 20 करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये दोनों एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ लाने में मदद करेगी अगर आप पुशअप नहीं कर पाते हो। ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है चेस्ट का फैट बर्न करने में। ये आपका स्ट्रेंथ भी लेके आती है
और जो कि चेस्ट पे भी बहुत इफेक्टिव है। ये सिर्फ प्लैंक का पोजीशन नहीं है, ये चेस्ट पे इफेक्ट होने वाली भी एक्सरसाइज है। तो कंटिन्यू कीजिए, 10-10 के सेट्स में कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स बेसिकली 10 नॉर्मल पुशअप्स हो गए, सो काम डाउन, बी इजी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मल पुशअप्स। उसके बाद होगा 10 इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स जो कि बहुत ही फायदेमंद है चेस्ट के लिए। तो अभी थोड़ा सांस ले रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इंक्लाइन पुशअप्स बेसिकली लोअर चेस्ट के लिए, और उसके बाद हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स जो कि अपर चेस्ट के लिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 10 पुशअप्स अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 5-5 के सेट्स में कीजिए। होल्ड योर पोजीशन, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, 10। ये एक्सरसाइज 2 times a day करनी है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी होगा डिक्लाइन पुशअप्स। हम सारे एंगल से चेस्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप 1 week करते हो तो कोई रिजल्ट्स की अपेक्षा मत करना, 1 month करके देखना, फिर इसके मुझे आप जवाब देना कि कैसा इफेक्ट किया। 1 week से कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ मत कीजिएगा 1 week के लिए। और हाँ, मेरा वीडियो सेव कर लीजिए दोबारा देखने के लिए, सेव का बटन दिया हुआ है, क्लिक इट। अब आते हैं डिक्लाइन पुशअप्स, 10 डिक्लाइन पुशअप्स ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिक्लाइन पुशअप्स बहुत ही इफेक्टिव है, ये करना मत भूलना। इसके बाद आते हैं हम डायमंड पुशअप्स पे। डायमंड पुशअप्स फिर से 10 डायमंड पुशअप्स बहुत ही इफेक्टिव रहेगा इनर चेस्ट के लिए, क्योंकि हम साइड चेस्ट, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट टारगेट कर चुके, अब इनर चेस्ट टारगेट करना बाकी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सो ये था चेस्ट का टोटल वर्कआउट। होप आप लोग कीजिए 1 महीने के लिए, और इसके बाद रिजल्ट शेयर कीजिए मुझे कमेंट डाउन बिलो में। और मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए भी बोला था, तो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। डीएम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर आपको डाइट चाहिए तो पहले ही बता देना, इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिवर्स मत जाना, मैं आपको डाइट बता दूंगा, तो डबल डबल काम मत करवाना मुझसे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सलाम, टिल देन टेक केयर। वीडियो को सेव करना मत भूलना, साइड में ये बटन है।